पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सिंधु दरिया से अटजंदड़ नवन केनालन ते इतफाक न कंदे है आउं छवीह आइनी तरमीम में मसरूफ हुस। वफाकी हुकूमत एतमाद में वठण बिना केनालन की मंजूरी दई छी। एक मुल्क में ब निज़ाम न था हली सकन। आइनी बेंच में सिंध लाए जुदा तरीक़ेकार अख्तियार किया वो। सिंध से हर भेरे अड़ो फर्क किया वो है। जो वफाक का सिलसिला है वही सिंध का सिलसिला हो सकता है। ये नहीं हो सकता है कि एक मुल्क में दो निज़ाम चले और ख़ास तौर पर बार बार सुपर सिंध के साथ एक खास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। उम्मीद है कि वही होगा। एक और मीटिंग भी होना चाह रहा है मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस अग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के बनाएंगे और ये जो मनसूबा है इसका अप्रूवल तब हुआ था जब मैं मसरूफ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराजात के बावजूद। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रहे हैं वो तो इस पे कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। हमने ऐसे से बहुत से मंसूबे थर के रेगिस्तान में लेकर आए हैं RO प्लांट से लेके सेलाइन इरिगेशन तक जिस पे मुल्क का कंसेंसस भी बन सकते हैं और हम पाकिस्तान के अवाम को का पानी का हक पहुँचा सकते हैं। लेकिन जिस जो तरीका हुकूमत अपना रहे हैं उस पे तो वो कंसेंसस नहीं है। सिंध के गादी वाले शहर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे बिलावल भुट्टो जरदारी चो तो हुकूमत आइन साजी वक्त बराबरी जो गालियों कयूं पर पोए पुठते हटी वही। बिना मुशावरत के कानून में तब्दीली कई पी वे नून लीग पीपल्स पार्टी से मुआहदे की भंज कड़ी कर रही है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चवण है तो सिंधु दरिया से टहंदड़ नवन केनालन से इतफाक ना करूँ। हुकूमत गलत रस्तों अख्तियार करे पी। आई थिंक ये तो एक और एग्जाम्पल है जहाँ हमारा जो मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहदा हुआ उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। हमने उस अग्रीमेंट में तय किया कि जो चारों सूबों का PSDP है वो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के बनाएंगे और ये जो मंसूबा है इसका अप्रूवल तब हुआ था जब मैं मसरूफ था 26th अमेंडमेंट का जदोजहद कर रहा था। पीठ पीछे इसको अप्रूवल दिया गया वो भी मेरे पार्टी के मेंबरान के साथ ऑन द रिकॉर्ड एतराजात के बावजूद। नाउ जैसे आप कह रहे हैं इस मंसूबे के लिए कंसेंसस मौजूद नहीं है। जिस तरीके से हुकूमत आगे बढ़ रहे हैं वो तो इस पे कंसेंसस नामुमकिन होता जा रहा है। मैं समझता हूँ कि कंसेंसस मुख्तलिफ तरीके हैं जिससे हम अपने बंजर इलाके को ज़रात के लिए या पीने के पानी के लिए पानी पहुंचा सकते हैं। हमने ऐसे से बहुत से मंसूबे थर के रेगिस्तान में लेकर आए हैं RO प्लांट से लेके सेलाइन इरिगेशन तक जिस पे मुल्क का कंसेंसस भी बन सकते हैं और हम पाकिस्तान के अवाम को का पानी का हक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिस जो तरीका हुकूमत अपना रहे हैं उस पर तो वो कंसेंसस नहीं है। पीपी चेयरमैन चो तो कोशिश कभी तो नून लीग से इतिहाद बरकरार रहे पर वफाक में न इज्जत दिनी वे थी न ही सियासत कई वे थी। इंटरनेट ए VPN बंदश बाबत असा मुशावरत न कई वही। हालतू अड़ू आन जो सियासी इस्तेहकाम आसानी से न तो अची सके। इंसाफ की सब का वे इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी घुर्जे। एक जमाना में आपके इंफ्रास्ट्रक्चर होता था कि सड़क बनाना पुल बनाना बस लेके देना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाना कितना स्पीड है आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी का ताकि ये जो नया इकोनॉमिक स्पेस है उस इकोनॉमिक स्पेस पे आपके अवाम अपना किरदार अदा करे। इस वक्त हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 4G है जबकि वो झूठ है। हमारे यहाँ 3G है। ऊपर से हमने उस 3G का इंटरनेट को इतना स्लो कर दिया कि तकरीबन मेरा बचपन का 1990s के इंटरनेट जो टैं टैं करके चलता था उस स्पीड तक पहुंच चुका है। ऊपर से हमने VPN पे अब पाबंदी लगा दिया है मगर वो साइट्स दूसरे साइट्स पे भी हमने पाबंदियाँ लगाई हैं जिसकी वजह से हम VPN इस्तेमाल कर रहे थे। वो आम लोग तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ इकोनॉमिकली इस सेक्टर में मौजूद है। मसलन ऐसे काफ़ी सेंटर्स हैं जो वेस्टर्न दुनिया के हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए बैकएंड काम करते हैं और यकीनन इंटरनेशनल क्लाइंट्स ये चाहेंगे कि इनके हेल्थ रिकॉर्ड्स के सिक्योरिटी का यकीन दहानी दिया जाए। VPN का मतलब ये है कि वो डाटा सिक्योर है। अगर VPN नहीं है तो उस सेक्टर को भी धचका होगा। मेरा ख्याल में हुकूमत को जब भी कोई पॉलिसी
बना रहा हो तो उसका तमाम एस्पेक्ट का जायजा लेके सॉल्यूशंस देने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन चो तो पूरी कोशिश कंदासी तो नून लीग से तहत बरकरार रहे। नून लीग बिना मुशावरत के कानून तब्दील कर रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन चो तो चीफ जस्टिस ही आए नी बेंच के सरबराह के अण धुरे होजन घुर्जे। हालतू अड़ू आन जो सियासी इस्तकाम आसानी से नो अची सके। मुंो नालो जुडिशल कमीशन में एहतजाज तौर वापस वरतो। जुडिशल कमीशन में हुआ तो आईनी बेंच से गाल कर जुडिशल कमीशन का एहतजाज तौर धार थियासी। जहाँ तक द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसर्न, वफाक के सतह पे जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तश्कील दिया जा रहा था तो चीफ जस्टिस, उस वक्त चीफ जस्टिस का वैकेंसी था तो चीफ जस्टिस का भी उदा चुना गया आफ्टर दिस 26th अमेंडमेंट। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह हैं वो भी चुना गया, दोनों बड़े काबिल बड़े ऑनरेबल जज साहिबान हैं। और मेरे ख्याल में वहाँ एक जो काउंटर सजेशन था वो ये था कि आपने जो तमाम सिटिंग जस्टिसेस है उनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बना दे। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वही हो जो साबिक सुप्रीम कोर्ट होता था, मगर अक्सरियत ने ये फैसला लिया कि दोनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड हो उन ओहदे को नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होना चाहिए। वहाँ से जुडिशरी का जो ये कुछ जजेस का आदत पड़ा है कि वो बेंच से सियासत करें, दे डोंट स्पीक थ्रू देयर ऑर्डर्स, दे गिव पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, दे डोंट rule in line with the constitution, they bend the constitution for their political purposes to grant themselves executive powers, and wo criteria ko wo maazi ko samne rakhte hue jiski wajah se humne ye 26th amendment pass kiya, ye sare factors ko madhenazar rakhte hue ye faisla kiya gaya ki chief justice of Pakistan justice Yahya Afridi hoga aur justice Amin jo hai wo constitutional bench ka sarbraah hoga। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो फैसले जो वफाक का सिलसिला है वही सिंध का सिलसिला हो सकता है। ये ना हो, ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में दो निज़ाम चले और ख़ास तौर पे बार बार सूबा सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। तो उम्मीद है कि वही होगा। एक और मीटिंग भी होना चाह रहा है। बिलावल भुट्टो जरदार जो सदर आसिफ अली जरदार की तबियत में बेहतरी आई है। पीपी चेयरमैन चो तो एक इंसान जो कत्ल समूरी इंसानियत जो कत्ल है। मेहमानन ते दहशतगर्द हमला थियन था, परदेहन ते हमलन जी मजम्मत करूं था। हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ कदम खड़ी रही है। नेशनल एक्शन प्लान ते अमल दरामद की जरूरत है। अमन अमान की सूरत हाल के यकीनी बनाने हुकूमत की जिम्मेवारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के अमरीका जो अंदरूनी मफाद करार डींदे अमरीका की चूंड के मुल्क अवाम के हालतों के नजर में रखी दिसन घुर्जे। पाकिस्तान अमरीका विच में लागापा एतरा बेहतर ना असा के पांजी जमीनी हकीकतुन ते गौर करन गुर्जे।